अब खबरें विस्तार से। अक्सर विवादित सुर्खियों में रहने वाला जिला हमीरपुर का बहुतकनीकी संस्थान एक बार फिर से विवाद में आ गया है। संस्थान के एक पूर्व इलेक्ट्रिकल विभाग के छात्र ने संस्थान पर मानसिक प्रताड़ना, प्रैक्टिकल न करवाने और आंसर शीट पर मनगढ़ंत ढंग से नंबर लगाने के आरोप जड़े हैं, जिसकी शिकायत छात्रों द्वारा पत्र के माध्यम से पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को शिकायत भेजी है। अक्सर विवादित सुर्खियों में रहने वाला जिला हमीरपुर का बहुतकनीकी संस्थान एक बार फिर से विवाद में आ गया है। संस्थान के एक पूर्व इलेक्ट्रिकल विभाग के छात्र ने संस्थान पर मानसिक प्रताड़ना, प्रैक्टिकल न करवाने और आंसर सीट पर मनगढ़ंत ढंग से नंबर लगाने के आरोप चढ़े हैं, जिसकी शिकायत छात्रों द्वारा पत्र के माध्यम से पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को शिकायत भेजी है। जिला हमीरपुर के प्रतिष्ठित बहुतकनीकी संस्थान के विद्युत विभाग के पूर्व छात्रों ने संस्थान पर पढ़ाई में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि संस्थान में विद्युत विभाग के अध्यापकों द्वारा छात्रों को मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है। यही नहीं, छात्रों को विद्युत से संबंधित प्रैक्टिकल भी नहीं करवाए जाते हैं। इसकी शिकायत संस्थान के प्रधानाचार्य से की गई, लेकिन प्रधानाचार्य ने इस शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लाई, जिसको लेकर छात्रों ने प्रधानाचार्य से आईटीआई के माध्यम से भी जवाब मांगा, लेकिन अभी तक संस्थान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं छात्रों ने पत्र के माध्यम से पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मामले की जांच को लेकर गुहार लगाई है। वहीं जब मीडिया ने संस्थान के प्रधानाचार्य से इस मामले को लेकर पूछताछ की, तो प्रधानाचार्य कैमरे के सामने आने से आनाकानी करते नजर आए। नहीं, कंप्लेंट जो की थी वो हमने पास आउट होने से पहले की थी, यानी कि अप्रैल 29, 2019 को हमने एप्लीकेशन दी थी वहाँ के प्रधानाचार्य जी को। तो उन्होंने वहाँ का ऐसा माहौल बनाया उस कंप्लेंट का, यानी कि गलत अर्थ निकाल उस एप्लीकेशन का। हमें टीचर्स के द्वारा वहाँ प्रैक्टिकल ही नहीं करवाई जाती थी, एक बहुतकनीकी संस्थान में जो कि जहाँ की तकनीक से जो कि रिलेटेड है, प्रैक्टिकल नॉलेज से जो रिलेटेड है, वहाँ पर प्रैक्टिकल ही नहीं करवाई जाती थी। तब सोचो अगर ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे वहाँ से, तो फिर वो या तो खंबे से या तो चिपकेंगे या लोगों को चिपकाएंगे या तो फिर वो लोगों को अंधेरे में रखेंगे। हमने उस दौरान ही जब हमें एप्लीकेशन के बाद हमें प्रिंसिपल साहब ने हर रोज़ और वहाँ के विभागाध्यक्ष जी ने हर रोज़ बुलाना शुरू कर दिया अपने ऑफिस में, और प्रिंसिपल साहब ने तो प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यानी कि दो दो घंटे क्लास के टाइम में। तो वहाँ पे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया हम चार स्टूडेंट को कि मतलब कोई ना कोई उस टाइम सुसाइड ही कर लेता हम में से, इतनी बुरी हालत बनी हुई थी हमारी। तो उसी उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने यानी कि और अध्यापकों ने हमें धमकी भी दी, फेल करने की भी धमकी दी, और कहा कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, जो कि हमने मेंशन की और जो कि सीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी है और डिप्टी कमिश्नर जी को भी कि जो वो कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उस टाइम डॉक्टर ऋचा वर्मा जी डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम, तो हमने कंप्लेंट दी मौखिक तौर पर भी, जगनी तौर पर और लिखित तौर पर भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी थी तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। हमने उनसे कहा था कि आग्रह किया था विशेष कि जो संबंधित अध्यापकों के द्वारा जो हमें पढ़ा रहे हैं वही हमें फेल करने की धमकी दे रहे हैं और हमें प्रैक्टिकल कुछ करवाए नहीं गए हैं, तो बाहर के अध्यापकों की ड्यूटी लगवाई जाए, जबकि उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं बरती गई। और जो हमने जो उनको मेंशन किया था हमने डिप्टी कमिश्नर से लेकर सीएम तक, डायरेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी शिमला, कि बाहर के अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमने उनको कहा था कि ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे, और वो भी ऐसे जब एग्ज़ाम आए तो मेरी आंसर शीट के ऊपर, दो आंसर शीट के ऊपर किसी ने 420 के तहत एक रोल नंबर लिख दिया हुआ तुमसे, और दूसरी आंसर शीट के ऊपर किसी ने टाइप्ड रोल नंबर चिपका दिया हुआ, ताकि जब ये आंसर शीट इवेल्यूटर के पास जाए सो दैट मेरी आइडेंटिटी उस इवेल्यूटर के पास रिवील हो जाए, और उन दोनों विषयों में मुझे फेल कर दिया गया। संबंधित संस्थान की आरटीआई भी थी जो कि हमने प्रिंसिपल जो कि श्री दिनेश कुमार शर्मा की, कि आपको एक हफ्ते में कितने पीरियड अलाउड होते हैं, तो वहाँ से जवाब आता है कि देर इज़ नो रूल्स ऑफ कॉपी अवेलेबल इन दिस ऑफिस। प्रश्न उठता है कि किस आधार पर प्रिंसिपल साहब, किस आधार पर आप इस संस्थान को चला रहे हो? आर यू ट्राइंग टू बिकम द डिक्टेटर? और ये जो हर एक साल और दो साल में कोई ना कोई स्टूडेंट सुइसाइड कर रहा है, क्या इस तानाशाही का ही तो ये परिणाम तो नहीं? और हम जो संबंधित तरह तरह की बातें जो हमें प्रताड़ित किए जा रहे हैं अध्यापकों के द्वारा, मेंटली हरास कर रहे हैं, अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सेशनल मार्क के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि हमने एप्लीकेशन में दर्शाया था, अगर बिना रूल्स के करोगे तो क्या इसी का परिणाम है क्या?
इसके अलावा हमने आरटीआई में टीचरों की अटेंडेंस मांगी। हमारी अटेंडेंस को टीचर खुद क्लास में प्रेजेंट नहीं है, जबकि वो हमें एबसेंट मार्क कर देता है। तो हमने संबंधित अध्यापकों की अटेंडेंस मंगवाई, तो उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक मशीन जो है वो 22/4/2019 को इंस्टॉल हुई, जबकि दूसरे आरटीआई में वो कह रहे हैं कि 2016 से बायोमेट्रिक मशीन लगी है संस्थान में, और जो कभी खराब ना होने का रिकॉर्ड भी आरटीए के जरिए ही संबंधित संस्थान ने दिया है कि पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने दिया है।